Hello everyone, I'm Priyanka Soni and I welcome you all for the lecture of Interconnection Structure in Computer Architecture. So this is lecture 4 and this lecture is basically focused on the external behavior of the modules which is required to interconnect the modules in order to compute the task. ठीक है, सो ये हमारा जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर ऑन इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, ये बेसिकली फोकस्ड है जो मॉड्यूल्स हैं, जो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनके एक्सटर्नल बिहेवियर पे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू अबाउट द लेक्चर. फर्स्ट वन इज इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, देन सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट फंक्शन फॉर ईच मॉड्यूल विच इंक्लूड्स मेमोरी इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफर by the modules, that is types of transfer required by the modules. So let's start a topic. So our first topic is interconnection structure. We need to know what do you mean by interconnection structure. ठीक है, computer के हमने बहुत ही basic components और we can say modules जो मैंने आपको previous lectures में explain किए थे, वो तीन modules थे, processor, memory and input output. Right? So there were three modules, that is the processor, memory and input output. अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कोई भी टास्क परफॉर्म करे तो इन मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट कराना होगा. ठीक है, वी नीड टू इंटरकनेक्ट दीज मॉड्यूल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन. सो अब इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमें इन मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट करना है तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है. Right? So, a computer consists of a set of components or modules of three basic types, processor, memory and input output that communicate with each other. Basic modules हैं, इन्हें कैसे interconnect करेंगे ताकि ये कुछ execution को perform करें. So, हम computer system को basically एक network of basic modules भी कह सकते हैं. Network of basic modules. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हमें कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना हो तो सिर्फ एक मॉड्यूल पूरा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है, सो हमें इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स चाहिए प्लस इनकी कनेक्टिविटी चाहिए. सो कंप्यूटर सिस्टम को हम एक नेटवर्क ऑफ बेसिक मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं. सो इन्हें इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें कुछ पाथ की नीड होगी. ठीक है, जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होगा अमंग द मॉड्यूल्स. सो उन पाथ का जो कलेक्शन है जो कनेक्ट करता है वेरियस मॉड्यूल्स को, उसे हम कहते हैं इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर कराना है तो डेटा को ट्रांसफर कराने के लिए हमें कुछ पाथ की जरूरत है, और उन पाथ के थ्रू जो डेटा ट्रेवल होगा हम उन्हें कहेंगे बसेस. बट ये जो स्ट्रक्चर है जो इन दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, वेरियस मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ पाथ हमें रिक्वायर्ड होते हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, बट इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, द डिजाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल डिपेंड ऑन द एक्सचेंजेस दैट मस्ट बी मेड अमंग मॉड्यूल्स. अगर हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, वो बेसिकली किस पे बेस्ड होगा? मॉड्यूल्स के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि हर एक मॉड्यूल की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है. राइट, प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, मेमोरी की डिफरेंट है. सो हम इन तीनों को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, ये सब किस पे बेसिस है कि जो मॉड्यूल्स है वो डेटा कैसे एक्सचेंज करेंगे, जो हम आगे स्टडी करेंगे. इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली कलेक्शन ऑफ पाथ दैट कनेक्ट्स वेरियस मॉड्यूल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन. राइट, नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज द फर्स्ट वन इज मेमोरी मॉड्यूल. अगर हम बात करते हैं मेमोरी मॉड्यूल की, तो मेमोरी में नो डाउट जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो स्टोर होगा. राइट, मेमोरी में जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो स्टोर होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी का जो डिसिप्लिन फीचर है वो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एन वर्ड्स. राइट, कलेक्शन ऑफ एन वर्ड्स, और वो भी इक्वल लेंथ के. मेमोरी में जो भी हमारा डेटा है वो हमेशा इक्वल लेंथ में स्टोर होगा. फॉर एग्जाम्पल,
It may be 16 bit, it may be 32 bit, it may be 64 bit, it may be 16 bit, ठीक है, ये क्या हो सकता है 16 bit का हो सकता है, या फिर it may be 32 bit, और it may be 64 bit. तो ये जो data word की length है, ये किस पे depend करेगा? System architecture पे, ठीक है, system आर्किटेक्चर पे ये हमारा डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये, जैसे कि बहुत नॉर्मल है कि वन वर्ड इज इक्वल्स टू टू बाइट विच इज इक्वल्स टू 16 बिट, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल. ये किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम आर्किटेक्चर पे. अगर हमारा कंप्यूटर 16 बिट आर्किटेक्चर है तो वो वन वर्ड की लेंथ क्या लेगा? 2 बाइट, ठीक है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर. सो मेमोरी है तो इसका डिसिप्लिन फीचर क्या होगा कि जो इसकी लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी. और ये क्या आइडेंटिफाई करेंगे? लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे. किसको आइडेंटिफाई करेंगे? लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे. लोकेशन मतलब एड्रेस. अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड, जो वर्ड है उसका हर आर्किटेक्चर में डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है. वर्ड का मीनिंग डिफरेंट आर्किटेक्चर में डिफर करेगा. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वन वर्ड की लेंथ अगर 16 बिट हो सकती है, वन वर्ड की लेंथ 32 बिट हो सकती है, वन वर्ड की लेंथ 64 बिट हो सकती है, पर वो किस पे डिपेंड करेगा? सिस्टम आर्किटेक्चर पे. अब मेमोरी, मेमोरी को हमने एक यूनिक एड्रेस एलोकेट किया है. जैसे कि हमारे पास n वर्ड्स है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास n वर्ड्स है, तो n वर्ड्स का जो एड्रेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा जीरो से. अगर 5 वर्ड्स हैं तो एड्रेस क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4. मेमोरी 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. अब इसके हम ऑपरेशन की बात करते हैं कि मेमोरी के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशन है वो है रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट. मेमोरी, मेमोरी का जो बेसिक ऑपरेशन है, या तो वो डेटा को रीड करेगा या फिर वो डेटा को राइट करेगा. और एक और चीज है कि एक बार में सिर्फ एक कंप्लीट लोकेशन को ही एक्सेस करेगा, ठीक है. जो यूजर है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेमोरी को, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा. एक लोकेशन का कंटेंट ही लोड होगा, या तो रीड करो या फिर राइट करो. एक मेमोरी लोकेशन पे हम दो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, रीड और राइट, यू नो, कॉन्करेंटली. सो एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा सेम मेमोरी लोकेशन पे. सेकंड है हमारा, अब रीड और राइट सिग्नल, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रीड और राइट के लिए हमें कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना होगा, ठीक है. हमें कैसे पता होगा कि रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है? तो इसके लिए जो कंट्रोल सिग्नल होगा वो हमें आइडेंटिफाई करेगा. अगर कंट्रोल सिग्नल रीड का जनरेट हुआ है तो हमें रीड करना है, और कंट्रोल सिग्नल राइट का जनरेट हुआ है तो वो राइट करेगा. नाउ द लास्ट पॉइंट इज एड्रेसेस. दैट इज, अगर हमें मेमोरी में से किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो वो नो डाउट किसके थ्रू करेंगे? एड्रेसेस के थ्रू करेंगे. तो मेमोरी के ये तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं, रीड राइट डेटा, जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, एंड फाइनली टू एक्सेस द डेटा थ्रू देयर लोकेशन. इसका हम मेमोरी मॉड्यूल का स्ट्रक्चर एक बार चेक करते हैं. तो इसमें गिवन है मेमोरी जिसमें n वर्ड्स हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेमोरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ n वर्ड्स होती हैं जिनकी एक इक्वल लेंथ होती है, ठीक है, वर्ड ऑफ इक्वल लेंथ, और इनके एड्रेसेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो टू n माइनस वन. फर्स्ट ऑपरेशन हम बात करते हैं रीड की. तो अगर जो रीड ऑपरेशन है अगर हमें परफॉर्म करना है तो इसके लिए कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? एड्रेस. एड्रेस सिग्नल क्या करेगा? जो डेटा हमें रीड करना है उसका एड्रेस यहाँ पे होगा, और वहां से हम हमारे डेटा को रीड करेंगे. तो डेटा हमारा रीड हो जाएगा अगर हमारा सिग्नल रीड है, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन पे एक टाइम पे एक ही सिग्नल जनरेट होगा, तो वो है रीड. तो रीड अगर सिग्नल जनरेट हुआ है तो उसके लिए एड्रेस कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, तो मतलब हमें डेटा को रीड करना है. और अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारा कौन सा सिग्नल जनरेट होगा? डेटा, मतलब हमें डेटा को राइट करना है, ठीक है, ये क्लियर है.
तो ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस से डेटा को रीड करेंगे, ठीक है, तो रीड सिग्नल एक्टिवेट होगा, और अगर हमें डेटा को राइट करना है तो राइट सिग्नल एक्टिवेट होगा। तो अगर हमें मेमोरी को इंटरकनेक्ट करना है दूसरे मॉड्यूल के साथ, अगर हमें मेमोरी को इंटरकनेक्ट करना है दूसरे मॉड्यूल के साथ, तो हमें सबसे पहले इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि रीड है, राइट है, एड्रेस है, डेटा है, ठीक है। तो ये सब इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो मेमोरी मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया, इसके बेसिक हमने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो चेक की कि अगर हम इसे किसी और मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें इसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें और मेमोरी मॉड्यूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके भी वही ऑपरेशंस हैं जैसे कि रीड एंड राइट, ठीक है, जैसे कि रीड एंड राइट वही बेसिक ऑपरेशंस हैं, पर इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की हम बात करते हैं तो हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हम अटैच कर सकते हैं। अब वो अटैच कैसे होंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल होंगे तो हम इस डिवाइस में मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी मेन पॉइंट क्या है कि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होंगे। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस ओनली एंड ओनली इफ देर आर मल्टीपल पोर्ट्स। तो इसके हमने दो ऑपरेशंस देखे थे, रीड एंड राइट ऑपरेशन। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज इट मे जनरेट इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है, इट मे सेंड इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर। इन केस अगर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में तो वो प्रोसेसर को सेंड होगा। इसका डायग्राम हम चेक करेंगे एक बार। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है तो इसमें एम पोर्ट्स होंगे, मेमोरी था तो उसमें डेटा होगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है तो इसमें पोर्ट्स होंगे। अब इसके जो फंक्शन है वो है रीड एंड राइट, रीड डेटा, राइट डेटा, ठीक है, ये इसके कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो जनरेट होंगे। सबसे पहले हम एड्रेस की बात करें, इन केस अगर डेटा को रीड करना है तो ये एड्रेस कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, रीड करना है डेटा को तो एड्रेस कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। अब इसमें दो डेटा है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, ठीक है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल डेटा क्या है, ये वी हैव टू प्रोवाइड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डेटा, ठीक है, लिसन फर्स्ट, वी हैव टू प्रोवाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रोसेसर। प्रोसेसर से कुछ डेटा आ रहा है जो हमें किसको प्रोवाइड कराना है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डेटा की। एक्सटर्नल डेटा वह डेटा है जो हमें यूजर, वो डेटा है जो यूजर क्या करेगा, सिस्टम को देगा, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा वो डेटा है जो यूजर सिस्टम को देगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरनल डेटा की। तो इंटरनल डेटा बेसिकली ये हम बसेस ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो फ्लो होगा, तो इंटरनल डेटा किसके थ्रू फ्लो होगा, बसेस के थ्रू फ्लो होगा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेटा की, तो एक्सटर्नल डेटा जो कि यूजर ने प्रोवाइड कराया है सिस्टम को, ठीक है, अगर यूजर ने प्रोवाइड कराया है सिस्टम को, तो एक्सटर्नल डेटा जो है वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू सीपीयू तक जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्टिविटी के थ्रू। यूजर ने जो डेटा प्रोवाइड कराया है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, हमें उस डेटा को अगर प्रोसेसर को सेंड करना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल डेटा कनेक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। और लास्ट वन है इंटरप्ट सिग्नल। इन केस अगर कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में तो वो किसको सेंड करेगा, प्रोसेसर को। सो ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हमेशा रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दो डेटा है, इंटरनल डेटा है और एक्सटर्नल डेटा है, हमें दो डेटा प्रोवाइड कराने होते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। एक्सटर्नल डेटा वो डेटा है जो यूजर इनपुट करेगा सिस्टम को, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा को प्रोसेस किया, जब हमें ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को सेंड करना है तो वो किसके थ्रू सेंड होगा, एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन के थ्रू, राइट। और अगर इंटरप्ट सिग्नल है, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा तो इसका जो भी सबरूटीन है उसको सॉल्व करने के लिए ये सिग्नल कहाँ सेंड होगा, प्रोसेसर को सेंड होगा, ठीक है, ये इसकी बेसिक कनेक्टिविटी है। सो नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ेंगे प्रोसेसर।
अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर बेसिकली इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, डेटा को रीड करता है और ये प्रोसेस करेगा। सबसे पहले उसने इंस्ट्रक्शन को रीड किया, ठीक है, रीड किया, राइट किया, उसने पूरे डेटा को प्रोसेस किया, सिग्नल्स को जनरेट करेगा, क्योंकि जब भी वो प्रोसेसिंग करेगा तो वो सिग्नल्स को जनरेट करेगा, और फाइनली अगर कोई इंटरप्ट सिग्नल उसने रिसीव किया है तो वो उसे सॉल्व करेगा। तो ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं जिसे हम क्लियर करते हैं डायग्राम से। ये है हमारा सीपीयू मॉड्यूल, राइट। सीपीयू मॉड्यूल, सीपीयू ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और डेटा को रीड किया, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो जनरेट हुए थे, इंस्ट्रक्शन को इसने रीड किया, डेटा को इसने रीड किया। इन केस अगर कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है तो अपना जो भी रूटीन है, जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उसे हॉल्ट करेगा। सबसे पहले अपना कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर करेगा, इंटरप्ट सिग्नल पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन की थी। इन केस ऑफ मल्टीपल इंटरप्ट अगर जनरेट होंगे तो वो प्रायोरिटी वाइज चेक करेगा इंटरप्ट्स को। नाउ नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस क्या शो करेगा, एड्रेस कंट्रोल सिग्नल क्या शो करेगा कि हमें डेटा को कहाँ से रीड करना है, ठीक है, हमें डेटा को कहाँ से रीड करना है, ये शो करेगा एड्रेस कंट्रोल सिग्नल। हमें डेटा को कहाँ से रीड करना है, ठीक है, वो कौन शो करेगा, एड्रेस सिग्नल। और कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली क्या स्पेसिफाई करते हैं कि जो प्रोसेसर है, कंट्रोल सिग्नल्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है तो वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, टू कंट्रोल द ऑपरेशन इन द प्रोसेसर। कंट्रोल सिग्नल्स क्या करेगा, प्रोसेसिंग का जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल करेगा और फाइनली डेटा वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को स्टडी किया, उनके बीच में इंटरकनेक्शन कैसे हो, क्या किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हो, हमने उन्हें स्पेसिफाई किया। हमने सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स को स्टडी किया, इनका एक्सटर्नल बिहेवियर स्टडी किया, ठीक है। और फाइनली हम बात करते हैं कि हमें किस तरह के कनेक्शन रिक्वायर्ड हैं, किस तरह के कनेक्शन रिक्वायर्ड है। ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें एक्सटर्नल बिहेवियर पता हो हर एक मॉड्यूल का। तो सबसे पहला कनेक्शन हमें चाहिए मेमोरी टू प्रोसेसर। मेमोरी से प्रोसेसर तक के लिए हमें एक कनेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी प्रोसेसर रीड करेगा इंस्ट्रक्शन को तो वो कहां से रीड करेगा, मेमोरी से। तो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में एक कनेक्शन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड इज प्रोसेसर टू मेमोरी। प्रोसेसर टू मेमोरी मीन्स अगर प्रोसेसर को डेटा को रीड करना है तो मेमोरी टू प्रोसेसर चाहिए। इन केस अगर उसे राइट करना है तो उसे मेमोरी से प्रोसेसर तक भी कनेक्शन चाहिए, क्योंकि जब कुछ प्रोसेसिंग होगी तो उस प्रोसेस डेटा को जब वो राइट करेगा तो उसके लिए भी एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट टू प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट टू प्रोसेसर मीन्स अगर किसी प्रोसेसर ने डेटा को रीड किया है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, या फिर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से वो डेटा को राइट करता है प्रोसेसर में, रीड या राइट करता है इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर में, तो हमें इसके लिए भी एक कनेक्टिविटी चाहिए, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए इनपुट आउटपुट टू प्रोसेसर। फिर है प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट, मीन्स अगर प्रोसेसर को कोई डेटा सेंड करना है तो उसके लिए भी कनेक्टिविटी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इनपुट आउटपुट टू और फ्रॉम मेमोरी। इसका मतलब यह है कि इसमें सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होगा, प्रोसेसिंग होगी वो सीधी मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में होगी। जब इसमें प्रोसेसर नहीं है मीन्स, देखिए इसका एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो हम आगे के लेक्चर में और डिटेल से कवर करेंगे। सो फॉर दीज टू केसेस मीन्स इनपुट आउटपुट टू और फ्रॉम मेमोरी केसेस, एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज अलाउड टू एक्सचेंज डेटा डायरेक्टली विथ मेमोरी विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेसर, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बसेस, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है। फाइनली थैंक यू।